हाय, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 9 चैप्टर पॉइंटर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट ए। इस एक्सरसाइज में हमसे बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, मतलब कोई प्रोग्राम बनाना हमें। राइट ए फंक्शन दैट रिसीव 5 इंटीजर एंड रिटर्न द सम। 5 इंटीजर वेरिएबल्स को हमें कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करवानी है और आउटपुट में हमें निकालना है क्या, सम एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर। जो नंबर हम इनपुट में लेंगे उनका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एंड कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन फंक्शन एंड प्रिंट द रिजल्ट इन मेन। मतलब कि आपको एक अलग से फंक्शन बनाना है ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए, उस फंक्शन को कॉल करना मेन फंक्शन के अंदर और आउटपुट को शो करवाना है मेन फंक्शन के अंदर, ना कि जो फंक्शन आप बनाएंगे उसके अंदर आपको प्रिंट का यूज नहीं करना है, आपको प्रिंट का यूज करना है मेन फंक्शन के अंदर। ओके, तो इसके लिए हमें सबको पता है कि जो वेरिएबल्स आते हैं उसका एक जो फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप हम डिफाइन करते हैं, तो केवल एक ही नंबर को रिटर्न टाइप में कर सकता है। इसके लिए चलिए हम सी लैंग्वेज के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो हम सेव कर लेते हैं इसको। CH09-CA.C। सबसे पहले हमें लेना है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, नॉर्मल हेडर फाइल है, इंक्लूड cio डॉट एच। stdio डॉट एच का यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। पोनियो डॉट एच का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम हमारे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं clr scr एंड गैच फंक्शन। गैच फंक्शन का यूज होता है फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट, और क्लियर स्क्रीन का यूज होता है आउटपुट पर जो भी स्क्रीन दिख रही है उसको क्लियर करने के लिए। फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हमें प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया है, आपको 5 वैल्यू इनपुट में लेनी है, 5 कीबोर्ड से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हम 5 वैल्यू इनपुट में लेंगे। तो नंबर 1 आ गया, n2 आ गया, n3 आ गया, n4, n5। अब इनकी वैल्यूज को हमें कीबोर्ड से एंट्री करवानी है। ठीक है, कैसे इनपुट में लेंगे, प्रिंट एप एंटर वैल्यू ऑफ n1, स्कैन एप का यूज होता है इनपुट लेने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले %d आइडेंटिफायर है इंटीजर वैल्यूज का, यहाँ पे लिख देंगे m% n1। m% क्या शो करता है, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल n1। अब सेकंड को यूज में ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n2। नई लाइन के अंदर लेना, तो उसके लिए हम स्लैश एन लगा देंगे फॉर न्यू लाइन। स्कैन एफ %d m% n2, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n3। सेमी कोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। %d आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर m% n3, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n4, स्कैन एफ %d m% n4, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n5, स्कैन एफ %d, इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, m% n5। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जो वेरिएबल हमने ले रखा है उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट में हमें शो करता है। n1 n2 n3 n4 n5 f2 से हमने सेव कर दिया इसको।
ऑल्ट F9 फॉर कंपाइल, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई है, कंट्रोल F9 आउटपुट एन एंटर वैल्यू ओपन 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब यहां तक हमारा प्रोग्राम प्रॉपर सही चल रहा है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, देखिए हमें क्या आउटपुट में हमें क्या क्या रिटर्न में करना है, रिटर्न में देना है हमें एक तो सम देना है, इंट सम, इंट में एक तो सम टाइप का वेरिएबल हो गया है, एक हमें निकाल के देना एवरेज। एवरेज जरूरी नहीं है कि इंटीजर में निकले, वो फ्लोट भी हो सकता है, तो फ्लैट फ्लोट में दे दिया हमने एवरेज, और उसका देना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दे दिया हमने SD। ये हमें कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं तो हमें इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा तो क्या करते हैं इसके ऊपर एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन का, इसके अंदर हम दे देते हैं void कैलकुलेट। कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर हमें कितने वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, 5 वेरिएबल पास करेंगे, किस तरह के, इंट N1, इंट N2, इंट N3, इंट N4, इंट N5, ये हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। इसके जगह पे जो हमने N5 और N सब दिए, इन सबको दिए बिना भी हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, हमें ये बताना होता है कि जो पैरामीटर्स होंगे वो उनका डेटा टाइप क्या होगा, तो ये हमने 5 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स के अंदर पास कर दिए हैं। F2 के थ्रू हम इसको सेव करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका रिटर्न में हमें कुछ देना है, तो रिटर्न के अंदर तभी तो हमने दे रखा वो टाइप का, लेकिन हमें कुछ रिटर्न करना है। अगर इसकी वैल्यू को हम रिटर्न भी दे देते हैं यहाँ पे कि मान लो इंटीजर करेंगे, तो केवल एक ही वैल्यू हमें आउटपुट में देगा, हमें आउटपुट में चाहिए सम भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो इन सब चीजों को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको तो मैं कर देता हूँ वॉइड टाइप की, नॉन रिटर्न टाइप। इसके बावजूद हम वैल्यूज को आउटपुट में लेकर के आएंगे, कैसे लेकर के आएंगे, देखिए हम अभी एक नॉर्मल सा फंक्शन कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को डिनोट करते हैं, मतलब कि M% जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये क्या बता रहा है, N3 जो वेरिएबल है वो किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, अगर उसकी लोकेशन को एक्सेस करना है तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो हम किस तरीके से इसका आउटपुट को ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते, उसके लिए एक और वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसका नाम बोल देते हैं टेस्ट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल स्टोर यहाँ पे कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और एक इनपुट के अंदर वैल्यू लेते हैं टेस्ट 5 की, printf। एंटर वैल्यू ऑफ टेस्ट, scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया इंटीजर, यहां पे लिख दिया हमने M% टेस्ट, तो टेस्ट की वैल्यू को इसने यहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब एक छोटा सा फंक्शन मैं बना देता हूं void टाइप का, void चेंज की वैल्यू हमें चेंज करनी है। अब अगर मैं यहां पे पास करता हूं इंट वैल, कोई भी वैल्यू आएगी इसके अंदर जाएगी, हम इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देंगे 20। ठीक है, और यहां से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज, इसके अंदर पास क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट को पास कर रहे हैं, टेस्ट की जो वैल्यू उसको पास कर रहे हैं, वो यहां पर आ गया, और इसके बाद में हम यहां पे वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे आफ्टर कॉल वैल्यू क्या आएगी, %D, और हमने यहां पे दिख दिया क्या टेस्ट, टेस्ट की वैल्यू यहाँ पे हमको डिस्प्ले में करवानी है, F2 कर दिया हमने ये। अब इसको हम रन कराते हैं, मिसमैच इंट वैल्यू void आ गया चेंज CHNG M%D, क्या टेस्ट के अंदर वेरिएबल्स के दे रखे हमने टाइप मिसमैच एंड री डिक्लेरेशन ऑफ चेंज,
डिक्लेरेशन ऑफ चैन सी एच ए एन जी ई, इसके अंदर हमने टेस्ट को पास करा है सी एच ए एन जी ई, ये वैल्यू सेम लिखी है हमने, हमने टेस्ट किस तरीके का ले लिया है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लिया है। हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं एक बार, void change int f2 alt f9 control f9, ठीक है, ये वैल्यू हमने 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी। अब एंटर वैल्यू ऑफ टेस्ट मांग रहा है, इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 50। देख आफ्टर कॉल वैल्यू क्या आ रही है 50, जबकि मैंने जब कॉल जब इसको करा था उसके बावजूद मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी थी, यहाँ पे चेंज करके 50 कर दी थी। अब इसकी जगह पे अब इसके अंदर यूज करते हैं पॉइंटर्स का, पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, इंट यम कर देंगे स्टार वैल्यू, कि यहाँ पे एड्रेस आएगा किसका, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए। अब इसको देखिए हम कंट्रोल एफ9 करते हैं, देखिए एरर दे दी इसने, एरर क्या दे दी है, टाइप मिसमैच, टाइप मिसमैच की जो कॉल कर रहे हैं वो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू मांग रहा है किसी पॉइंटर की, किसी वेरिएबल की एड्रेस लोकेशन मांग रहा है, तो उसके लिए एड्रेस लोकेशन को हम यहाँ से कैसे पास करेंगे, अगर इसको हम कर देंगे एम परसेंट, एम परसेंट कर दिया, कंट्रोल एफ नाइन करा, वैल्यू पैरामीटर वन इन कॉल चेंज ओके, ऊपर हमने कर रखा है, ये हमारा पॉइंटर हो गया, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसकी वैल्यू मैंने डाल दी मान लो कि 67, अभी भी वैल्यू 67 आई है हमने, जबकि वेरिएबल ही पास किस तरह के कर दिए हैं, हमने वैल्यूज पास कर दिए पॉइंटर टाइप की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करी है, जो आ रहा है वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू चेंज करी, लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे कहाँ पे, अगर एड्रेस यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू एट इसके ऊपर, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। F2 करा मैंने, कंट्रोल F9 करा, वन टू थ्री फोर फाइव, इसकी वैल्यू डालता हूँ 67, आउटपुट में आ गया 20। अब देखिए इसको समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोटी सी चीज चेंज कर देते हैं, ऊपर वाली चीजों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको अभी हम वापस से ओपन कर देंगे, देखिए मैंने टेस्ट की वैल्यू लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करा नॉर्मल इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया, इसकी जो भी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे स्कैन के अंदर, चेंज जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम पास करेंगे, उसके अंदर क्या पास करें, टेस्ट का जो एड्रेस था वो पास कर दिया हमने यहाँ पर, तो जो फंक्शन था हमारा चेंज उसके अंदर क्या है, एड्रेस पास हो रहा है, और हमने क्या करा है, वैल्यू जब क्या आ रहा है, वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में द एड्रेस ऑफ टेस्ट, जो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसका एड्रेस है, और इसके बाद में जैसे हम शो कर रखा है यहाँ पे वेल, इसका मतलब ये कह रहा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ टेस्ट, एट टेस्ट का एड्रेस अगर मान लीजिए 1020, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम चेंज करें 20, 20 की जगह पे अगर हम कर देंगे 100 कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 100 से, कंट्रोल F9 करा हमने, तो वैल्यू हम पास कर रहे हैं मान लीजिए 98, लेकिन वैल्यू आ रही है हमारे पास में 100, तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ा, हमें कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंज नहीं करनी पड़ी है, ना तो हम रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं ना ही कुछ और, लेकिन हमने क्या करा, पर्टिकुलर वेरिएबल की जो लोकेशन थी उसकी वैल्यू को वहीं पे चेंज कर दिया, तो अब उसको जो मेन फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर वैल्यू चेंज होकर के मिल रही है। तो अब अगर किसी फंक्शन से हमें एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न में चाहिए, तो क्या करेंगे हम, पॉइंटर्स का यूज करेंगे, पॉइंटर्स का यूज करेंगे मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उन सब चीजों को हम चेंज कर देंगे, तो वो चीजें हमारे पास में आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चेंज फंक्शन, अब इसको तो हम कर देते हैं कमेंट, कि इसका हमें यूज नहीं है, हमने इसको करा था केवल डेमो टेस्ट के लिए, कि कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स को रिटर्न में लेंगे, कैसे लेंगे, अब हम फंक्शन जो बना रहे हैं कैलकुलेट का उसके अंदर हम वेरिएबल्स ले लेंगे किस तरह के, पॉइंटर हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है इसका प्रोटोटाइप, उसके अंदर हमने 5 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के कर दिए,
अब उसके बाद में हमें एक तो चाहिए सम आउटपुट के अंदर, तो सम जब इंटीजर वैल्यूज लेंगे तो उनका आउटपुट भी इंटीजर ही होगा, तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने इंटीजर पॉइंटर, तो इसके अंदर यहाँ पे पास करेंगे हम क्या एड्रेस। दूसरा हमें निकालना एवरेज, तो एवरेज में क्या है फ्लोटिंग टाइप भी निकल सकता है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे फ्लोटिंग पॉइंटर। उसके बाद में निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा फ्लोटिंग टाइप का पॉइंटर यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, ये जो तीन वेरिएबल्स हैं हम यहाँ पे लेंगे, अब एक तो लेंगे सम, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन जो नीचे ले रखा है हमने, इन सब का एड्रेस पास करेंगे किसके अंदर कैलकुलेट के अंदर। तो किस तरीके से यूज करेंगे इसको, फंक्शन को हम यहां ऐसे पास करेंगे कि पांच तो वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के पास कर दिया, n1 n2 n3 n4 एंड n5, ये तो हमारे पांचों वैल्यूज आ गए जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू एंट्री लेंगे। उसके बाद में हमें पास करना है क्या एड्रेस ऑफ सम, तो क्या करेंगे एड्रेस ऑफ सम। उसके बाद में पास करना है एड्रेस ऑफ एवरेज, तो क्या करेंगे एड्रेस ऑफ एवरेज। उसके बाद में पास करना है एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करेंगे एड्रेस ऑफ SD। ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। अब फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कोई रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, कैलकुलेट नाम का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कर रहे हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारा नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। यहां पर हमें वैल्यू चाहिए कैसी कैसी चाहिए, इंट n1, इंट n2, इंट n3, इंट n4, इंट n5, ये तो पांच हो गए जो कि हमें वैल्यूज में चाहिए थी। अब यहां पर हमने पास कर रखे एड्रेस, तो एड्रेस को पास कर रखा तो एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस करने वाला चाहिए, तो कैसा चाहिएगा हमें पॉइंटर इंटीजर चाहिए, ये आ गया एड्रेस ऑफ सम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फ्लोटिंग टाइप का एवरेज आ जाएगा, उसके बाद में फ्लोटिंग टाइप का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, F2 करा, उसके बाद में हमने इसको रन करा दिया तो कोई भी एरर आई नहीं है, 1 2 3 4 5। आफ्टर द कॉल वैल्यू इसको प्रिंट करवा दिया हमने, यहाँ पे हमने यहाँ प्रिंट करा रखा इस चीज को, जबकि इसको हमें कमेंट कर देते हैं क्योंकि टेस्ट की वेरिएबल के ऊपर तो हम कुछ अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया n1 n2 n3 को, अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए सम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या आउटपुट में, हम लिखेंगे सम, प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल नंबर्स, क्या आएगा %D, किसका आएगा सम हमारा वेरिएबल था, इसका आउटपुट आ जाएगा। अब सम की वैल्यू के अंदर स्कैन करना, देखिए सम के अंदर हमने n1 n2 n3 n4 को हमने यहाँ पे ऐड नहीं करा, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसको, यहाँ जब ऐड कर रहे हैं तो सम का एड्रेस क्या रखा हमारे पास में, ये आ रहा है, तो इसका एड्रेस को एक्सेस करने का क्या होगा हमारे पास में, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट सम, वहां पे क्या करना हमें n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये आउटपुट में हमारे पास में चला जाएगा इसको सम में करेंगे। तो इसको F2 करा हमने, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन सब का सम क्यों ना गया, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को समझने का एक और प्रोसेस हम करते हैं। यहां तो हमने डिक्लेयर कर रखा n1 n2 n3 n4 n5, लेकिन यहाँ पे हम समझ इसको कंफ्यूजन से हो सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम इसको देखते हैं। देखिए एड्रेस ऑफ सम, एड्रेस ऑफ सम, ये मैंने ये भी लगा दिया है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास में क्या आ रहा है एड्रेस ऑफ सम, तो यहां पर अब हम यहाँ चेंज कर देते हैं, चेंज करके क्या लिखेंगे एड्रेस ऑफ सम, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर कर रखा है और यहां जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये पैरामीटर एड्रेस ऑफ सम कर रहे हैं, सम नाम का वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पास कर रहे हैं। और एक और चीज, जब हमने फंक्शंस बात कर लिया तो ये जो कॉल हो रहे हैं ये तो आ रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और ये आ रहे हैं हमारे पास में फॉर्मल पैरामीटर्स, तो
फॉर्मल पैरामीटर का नाम हमने चेंज कर दिया एड्रेस ऑफ सम। तो हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं स्टार का मतलब ये क्या हो गया एड्रेस ऑफ सम, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सम क्या होनी चाहिए n1 प्लस n2 प्लस n3 n5 उसको हमने यहाँ पे आउटपुट में शो कर दिया। अब जब भी हम कहीं पर भी एड्रेस ऑफ सम की मतलब इस एड्रेस के जो लोकेशन आ रही है उसको एक्सेस करेंगे तो वहां पे वो प्रिंट करेगा जो कि ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम इसको वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कैसे कि क्या कह रहा है ये प्रिंट में अगर लेंगे कि भैया उसका एड्रेस क्या उसको आइडेंटिटी प्रिंट करवाना है। एड्रेस को प्रिंट करवाने का हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है यू एड्रेस ऑफ सम, यह आ जाएगा क्या एड्रेस ऑफ सम कंट्रोल F9 करा 1 2 3 4 एंड 5। देखिए जो हमारा एड्रेस था वो क्या था 65514 उसकी लोकेशन के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर्ड है 15। अब इसको यहां ना करके हम एक चीज और कर लेते हैं, ये जो हमने नीचे यहाँ पे प्रिंट करा है तो जैसे हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा है उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम, सम का एड्रेस क्या है परसेंट यू एम परसेंट सम, ये उसका एड्रेस आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे प्रिंट में दे दिया है। ठीक है, अब ये जा रहा है इसको हम यहां से तो हटा देते हैं, तो यहां प्रिंट करते हैं प्रिंट टैब एड्रेस पास्ड इन फॉर्मल पैरामीटर क्या आएगा परसेंट यू, परसेंट यू के इसलिए आता फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है एड्रेस का, यहां पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ सम, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल F9। तो देखिए एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम का एड्रेस क्या दे दिया 65514, ये हर कंप्यूटर के ऊपर अलग हो सकता है, हर प्रोग्राम का अलग हो सकता है और एक ही सिंगल प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करने पे भी अलग अलग आ सकता है। 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या कह रहे एड्रेस पास्ड इन फॉर्मल पैरामीटर क्या आया 65514, जो वेरिएबल का एड्रेस था वो यहाँ पास हुआ है तो सम ऑफ ऑल नंबर्स आर 15, ये हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं इसके थ्रू हम एड्रेस पास कर रहे हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे हमने एम परसेंट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ ऊपर जब हमने इसको प्रिंट करवाया था ये यहाँ पे हमने एम परसेंट लगाया था, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है नॉर्मल इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो एड्रेस टाइप का पॉइंटर टाइप का, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये एम परसेंट लगा हुआ ही है तो एड्रेस को डिनोट करो, तो इसलिए यहाँ पे एम परसेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को चेंज कर देते हैं एड्रेस के ऊपर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई है कि अब फ्लोट जो एवरेज आ रहा है एवरेज कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू निकाल देंगे एवरेज एड्रेस ऑफ एवरेज के ऊपर क्या आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये ब्रैकेट बंद हो गया, उसको क्या कर देंगे डिवाइड बाई 5। ठीक है, और ये हमारे पास में आउटपुट में यहां चला जाएगा प्रिंट एफ एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स क्या आएगा परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोटिंग आएगा, यहां पे हमने क्या लेकर रखा था एवरेज, ये चला गया। अब इसको हम कंट्रोल F9 कर देते हैं, ये एरर आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है, सी का बेसिक रूल सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है। 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज कितना आ गया 3, 15 डिवाइडेड बाय 5 करा तो 3 आ गया। अब इसको हम एक चीज से और कर सकते हैं, अब जहां पे हमने एड्रेस का सम निकाल लिया है तो हम इन सब चीजों की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको हम चलिए कमेंट कर देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार एवरेज, इन सब का सम हमने कहां पे स्टोर कर दिया है एड्रेस इस लोकेशन के ऊपर जो स्टोर्ड है वो सेम लोकेशन है, तो हम यहां पे क्या करेंगे
एड्रेस एम्परसेंट एड्रेस ऑफ सम, मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सम डिवाइडेड बाई 5, इसका भी आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 15। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास में सम भी निकल गया और एवरेज भी निकल गया, और हम इस फंक्शन जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम आउटपुट में कहां शो करवा रहे हैं, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। इसके बाद में हमारे पास में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करने के लिए, प्रिंट एफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल नंबर्स। इसके लिए अभी हमारा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल से कितने भी, अब एक ही फंक्शन के थ्रू कितने भी आउटपुट आप ले सकते हो, कितने भी नंबर्स ऑफ आउटपुट ले सकते हो, किसी भी तरह का आउटपुट ले सकते हो। अब हमें निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू एट स्टैंडर्ड डेविएशन, एच डी क्या शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे एड्रेस ऑफ सम करा था, तो हम इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, एड्रेस ऑफ एवरेज, एड्रेस ऑफ एस डी। तो एड्रेस ऑफ एवरेज जब आ रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया क्या, एड्रेस ऑफ एवरेज, तो एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में हिंट है, हिंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, वर्क आउट द मीन द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर, ये हमने एवरेज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके बाद देन फॉर ईच नंबर सबट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट, अब हमें हर नंबर में से एवरेज को माइनस करना है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ सम का क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है, हर किसी का एवरेज माइनस करेंगे और उसको पावर कर देंगे, मतलब कि स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए हमें पावर यूज करना है, पावर यूज करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, मैथ का एक फंक्शन होता है, तो मैथ डॉट एच हेडर फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है, मैथ डॉट एच एड हो गई। अब इसके अंदर पावर हमें क्या निकालनी है, नंबर क्या था, एन वन माइनस एवरेज, तो एवरेज क्या है, एड्रेस एट ऑफ एवरेज, ठीक है। हम लिखने का हमारा जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे भी वेरिएबल ले लेते हैं, अदरवाइज इसके में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए इसी के साथ में चलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन आ गया हमारे पास में, माइनस कर दिया, इसकी स्क्वायर कितना करना है, पावर 2 से, ठीक है। अब इन सब का हमें प्लस करते हुए चलना है, कॉपी कर ली, शिफ्ट इंसर्ट करने के बाद में क्या आ गया यहाँ पे, एन टू प्लस शिफ्ट इंसर्ट, एडिट कॉपी शिफ्ट इंसर्ट एन टू, ये आ गया 3 ये आ गया आपके पास है 4 और ये आ गया आपके पास में 5। इन सबका 5 का इन सबका एवरेज निकाल दिया आपने, इन सबको माइनस भी कर दिया, पावर भी निकाल दिया। इसके बाद में इन सबका हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन देख लेते हैं वो वापस से फॉर्मूला, कि ये चीज हमने निकाल दी, एवरेज निकाल दिया, सबको माइनस कर दिया, उसके बाद स्क्वायर निकाल दिया। इसके बाद में जो निकला है दोज स्क्वायर रूट डिफरेंसेज, देन वर्कआउट द मीन ऑफ दोज स्क्वायर डिफरेंसेज। अब इसके बाद में इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालना है।
ये सब निकलने के बाद में इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके सब सम हो गए और पांच है तो पांच से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पांच से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा दिए। तो नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। ये कर दिया डिवाइडेड बाई फाइव। ये सब करने के बाद में इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या आता है हमारे पास में फंक्शन एसक्यूआरटी मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका आउटपुट में चला गया है। एफ टू को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल एफ नाइन हमने कर दिया है। एन वन हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए इसका नॉर्मल थम भी निकल गया, एवरेज भी निकल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया। तो ये सारा का सारा काम हमने किसके थ्रू करा है, पॉइंटर्स के थ्रू, पॉइंटर्स की हेल्प के थ्रू। तो पॉइंटर्स का यूज क्या है कि हम एक ही फंक्शन के अंदर एक रिटर्न टाइप ना करके मल्टीपल वैल्यू जब हमें रिटर्न रिक्वायरमेंट होती है सी के अंदर तब हम उसके अंदर यूज करते हैं किसको, पॉइंटर्स को। कि वैल्यू जब पास करेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर तो एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स का पास कर देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।